नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग भी कुशल मंगल होंगे। तो दिन की शुरुआत हो गई है मेरी। बेटे को स्कूल भेज दिया है और नाश्ता और खाना दोनों एक साथ मैंने बनाना शुरू कर दिया है। कभी कभी नहा के भी बनाती हूँ, कभी एक साथ ही बना लेती हूँ, कोई फिक्स नहीं रहता है बनाने का। तो आज मैंने आलू बैंगन की सब्जी बनाई थी। ज़्यादा कुछ आज नहीं बनाया था मैंने, बस आलू बैंगन की सब्जी बनाई थी आज। और उधर दाल बिठाया है और इधर सब्जी बना रही हूँ। और रात में मैंने ना सत्तू का पराठा बनाया था, तो उसका सत्तू कुछ बच गया था, तो सोचा सुबह में नाश्ते में मैं लिट्टी बना देती हूँ। तो ऐसे भी कोई भी चीज़ बनाओ तो थोड़ा कम ज़्यादा तो हो ही जाता है, तो सत्तू वाली अगर बना दूँ तो उसमें तो लोगों की डिमांड ही होती है घर में कि एक बार लिट्टी तो ज़रूर बनना ही बनना है। तो लिट्टी तो ये मैं तल के बना रही हूँ और एक तो सेक के बनाते हैं, उसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कभी। मैंने आप लोगों को कल जो वीडियो दिया था उसकी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी आप लोगों ने बताया नहीं, और आप लोग प्लीज़ मेरी भी वीडियो को देखिए। मौसम का हाल देखिए, पूरा मोहल्ला पानी पानी हुआ पड़ा है, घर से निकलना मुश्किल हो गया है, बाढ़ पीड़ित हो गए हैं हम लोग। पूरा इतना पानी लगा हुआ है ना, दिखाती हूँ, बहुत परेशानी हो रही है। क्या हो रहा है? नाश्ता मेरा अरमान है कि आप कुछ ऐसा कर दीजिए कि लोग बोले ओ माय गॉड इज दिस पूजा भट्ट। और कुछ भी हो, इन लोगों को बस पराठा या कुछ मिल जाए तो सॉस चाहिए। वो ऐसा डांस सैंडल और वो क्या हुआ है अभी बस में, ऐसे झाड़े वाला स्कर्ट, झालर वाला बोले तो थोड़ा जो ऐसे सितारे वाला होता है ना, तो पूजा दी ऐसे स्कर्ट। जिया मनीषा और एल्विस नॉमिनेटेड थे, मैं इमेजिन भी कर रहा हूं सर। सच में कितना अच्छा लग, बट जो भी हो जिया ज़ारा डिजर्विंग थी बेबिका से, ऑब्वियसली मैंने जितना देखा है उसके हिसाब से जिया बेबिका और पूजा जी से तो ज़्यादा ही डिजर्विंग थी, तो मेरे हिसाब से टॉप फाइव में जिया को होना चाहिए था। लेकिन अब बेबिका तो बहुत इरिटेटिंग लगती है, बहुत ज़्यादा। मतलब पूजा भी ठीक है, लाइक वो भी है टॉप फाइव लाइक, लेकिन बेबिका नहीं है, बेबिका की जगह जिया को। चलो ठीक है, मैं नहाने जा रही हूँ, ठीक है, लेट हो रहा है। खाना बनाने के बाद उसके बाद नाश्ता किए, फिर नाश्ते के बाद से देखिए इतना सारा बर्तन जमा हो गया, तो फिर बर्तन साफ किए। और मैं आप लोग के साथ ना आज कुछ आइडिया शेयर कर रही हूँ, देखिएगा आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। अभी मेरे सारे काम हो गए हैं, खाना वाना भी बन गया है, बर्तन भी साफ कर लिया है मैंने। आप लोग के साथ ना मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ, जो कि किचन के लिए दो छोटे छोटे सामान मैंने जो मंगाए थे वो मतलब इतनी उससे सुविधा हो जाती है, जैसे मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, हैं तो छोटे छोटे लेकिन ये किचन में बहुत काम आते हैं। देखिए जैसे ये है, मतलब ये इतना अच्छा इससे होता है ना, पानी का फोर्स इतना अच्छा आता है। देखिए ये मैंने मीशो से लिया है, बहुत ही अच्छा है, इतना मतलब एक डेढ़ साल हो गया मुझे यूज करते हुए, बहुत अच्छा काम कर रहा है ये है। और दूसरा एक ये है, देखिए ये
जाली टाइप का मैंने मंगाया है सिंक में लगाने के लिए। मतलब पहले ना क्या होता था, इधर से इतना मतलब कीड़े मकोड़े बरसात के टाइम में आते थे, यहाँ तक मतलब क्या बताऊँ आपसे, केचुआ तक आ जाते थे यहाँ से। और एक डेढ़ साल इसका भी हो गया है। और एक ये देखिए स्टैंड मैंने मंगाया है, छोटे छोटे डब्बे इस पे आ जाते हैं, बहुत अच्छा है ये भी। ये भी मैंने मीशो से ही लिया था। और दूसरा मैं शेयर करना चाहती हूँ, जैसे ये तेल रखने के लिए किसी भी डब्बे में रखिए ना तो पूरा बर्तन ख़राब हो जाता है, मतलब ट्रे में रखिए या तो इस तरह से एक कपड़ा बिछा के रखिएगा तो मतलब कपड़ा चेंज करते रहिए, जब ख़राब हो गया तो चेंज कर दीजिए इसको। लंच में मैंने पकोड़ा भी बनाया था तो उसके लिए मैंने कीन लिया है प्याज, दो प्याज और एक आलू को बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लिया है। और इसमें डाला है 2-4 चम्मच बेसन और 1 चम्मच कॉर्नफ्लेक्स डाला है, अजवाइन है, मंगरेल है और स्वाद अनुसार नमक है, थोड़ा सा धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर। वैसे पकोड़े में क्या बताने के लिए है, वो तो सभी बनाते ही हैं, फिर भी मैंने सोचा कि जो बनाया है वो आप लोग के साथ शेयर कर लूँ। और थोड़ी सी कसूरी मेथी भी डाला है मैंने, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो यही थी मेरी आज की वीडियो, आप लोगों को कैसी लगी बताइएगा और मेरे चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं, बाय।